बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लर्निंग स्टेशन जमील अहमद के साथ। और जैसा कि हम रेगुलर लेक्चर अपलोड करते होते हैं, अब हमने स्टार्ट किया हुआ है फिज़िक्स FSC पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और आज हमारे पास प्रॉब्लम है 1.9, इसको हमने सॉल्व करना है। और इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने ई और mc² की डायमेंशंस को फाइंड करना है, और अगर डायमेंशंस बोथ साइड्स के ऊपर सेम आ जाती हैं तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, और अगर बोथ साइड के ऊपर सेम नहीं आती तो ये अनकंसिस्टेंट या अनकरेक्ट होगी। तो इसकी डायमेंशंस को फाइंड करते हैं और इसे चेक करते हैं आया कि E=mc² इज कंसिस्टेंट और नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है E=mc². क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ E=mc² डायमेंशन ऑफ mc². इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड की हमने डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल E की डायमेंशन को फाइंड करते हैं। E डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन पैदा होता है, E=mc² है लेकिन E है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा, लेकिन अक्सर औकात हम लोग जो है इसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वर्क को कंसीडर करते हैं, कि वर्क की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड वर्क। तो यहां पे वर्क का फार्मूला इनर्जी के साथ क्यों लिखा हमने? तो क्वेश्चन तो पैदा होता है ना, कंफ्यूजन भी होती है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है कि वर्क एक्चुअली इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। व्हेन 1 joule ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम 1 place टू एन अदर प्लेस, इट मीन 1 joule वर्क विल बी डन। दैट्स व्हाई वी राइट E=mc² फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं, फोर्स इसकी फोर्स है, इसकी डायमेंशन होती है mLT इनवर्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन L होगी। तो ये हो जाएगा mLT इनवर्स का स्क्वायर L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको 2 का नाम दे दें, E है। तो लेफ्ट साइड की डायमेंशन या E की डायमेंशन को हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट राइट साइड की डायमेंशन mc² की फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा mc² इज इक्वल टू m मास है और इसको कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं m, और c² स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी डायमेंशन होती है lt इनवर्स। ये हो जाएगा lt इनवर्स और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा mL² t इनवर्स का स्क्वायर mc² डायमेंशन। इक्वेशन नंबर 3। तो बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट साइड की डायमेंशन को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो चेक करते हैं इक्वेशन नंबर 2 E=mL² t इनवर्स स्क्वायर एंड इक्वेशन नंबर 3 mc² इज इक्वल टू mL² t इनवर्स का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इट इज क्लियर दैट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, इट मींस
दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट या करेक्ट। यहां तक जो है बोथ साइड्स को कंपेयर करके हमने इनका रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए उसकी डायमेंशन को चेक किया जाता है। अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है, बोथ साइड्स की डायमेंशंस सेम होती हैं, तो वो इक्वेशन कंसिस्ट होती है। इस वजह से इस इक्वेशन की भी बोथ साइड्स की डायमेंशंस को फाइंड आउट किया, और बोथ साइड्स की डायमेंशंस सेम हैं, अगर डायमेंशंस सेम आ गई हैं, इट्स मीन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट।